अब हमें ये चीज पता चल गई है कि इसने यूज क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट ने, ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का यूज किया था बैक्टीरिया का। उसकी दो स्ट्रेन्स ली थी, एक स्ट्रेन ली थी एस स्ट्रेन, एक स्ट्रेन ली थी आर स्ट्रेन। इसको हमने एस स्ट्रेन क्यों कहा? एस फॉर स्मूथ, क्योंकि उसके अंदर स्मूथ पॉलीसेकेराइड की एक कोटिंग थी, जिसकी वजह से उस बैक्टीरिया का स्ट्रेन हेरुलेंट हो गया था। एंड जो आर स्ट्रेन था उसके ऊपर स्मूथ पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं थी, जिसकी वजह से वो रफ कहा जाता है और नॉन विरुलेंट होता है। नेक्स्ट, इसने इन दोनों को इन्फेक्ट करवाया था किससे? माइस से। इन दोनों को इसने माइस के अंदर इन्फेक्ट किया था। सो अब हम देखते हैं रिजल्ट कि इन्फेक्ट करने से माइस का हुआ क्या। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एस स्ट्रेन हमारा क्या है? हेरुलेंट है। तो जब साफ बात है कि अगर हमने एस स्ट्रेन किसी माइस के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो माइस क्या हो जाएगा? डाई, वो मर गया, माइस मर गया। क्योंकि ये हमें पता है कि क्या है, ये हेरुलेंट है। एंड जब हम आर स्ट्रेन से इन्फेक्ट करते हैं किसी माइस को, तो वो माइस अलाइव, वो नहीं मरा। इतना तो हमें पता था कि अगर हम ये चीज माइस के अंदर डालेंगे तो ये रिजल्ट आएंगे। लेकिन अब क्या हुआ? अब एक ड्रास्टिक रिजल्ट है जिसकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थी। क्या आए कि ग्रिफिथ ने क्या किया कि उसने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया। क्या कर दिया? हीट किल्ड। हीट किल्ड से क्या हुआ? इसके ऊपर की जो स्मूथ पॉलीसेक्राइड की कोटिंग थी वो रिमूव हो गई। अब स्मूथ पॉलीसेक्राइड की कोटिंग तो रिमूव हो गई, मतलब वो भी किसकी तरह बन गया? आर स्ट्रेन की तरह। मतलब कि वो पहले विरुलेंट था और अब नॉन विरुलेंट हो गया। तो ये हमारा एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया है। प्लस इसने इसको आर स्ट्रेन के साथ डाल दिया, इसने इसको आर स्ट्रेन के साथ डाल दिया। मींस अब आप बताइए कि क्या होना चाहिए रिजल्ट। ये एस स्ट्रेन है लेकिन ये इस वक्त नॉन विरुलेंट है क्योंकि ये हीट किल्ड है। इसके ऊपर की पॉलीसेक्राइड की कोटिंग रिमूव हो चुकी है। इसको हमने आर स्ट्रेन के साथ डाल दिया जो कि पहले से ही नॉन विरुलेंट था। तो अगर हम इन दोनों का मिक्सचर से इन्फेक्ट करते हैं या इसको इंजेक्ट करते हैं माइस के अंदर, तो क्या होना चाहिए? आप सभी कहेंगे कि माइस अलाइव रह जाना चाहिए, जिंदा रह जाना चाहिए, लेकिन माइस डाई हो गया। इसने आश्चर्यचकित कर दिया सबको कि ये क्या हुआ कि जो एस स्ट्रेन था उसके हमने पॉलीसेक्राइड की कोटिंग हटा दी थी और जो आर स्ट्रेन था उसके अंदर पहले से पॉलीसेक्राइड की कोटिंग थी नहीं, तो माइस कैसे मरा? तो ग्रिफिथ ने ये कॉन्क्लूजन निकाला कि कोई ना कोई चीज तो है जो कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया से ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को, जो कि जिससे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया भी वेरुलेंट बन रहा है। और अगर ये वेरुलेंट बन रहा है तो ये माइस को मार रहा है। सो इसने ये कंक्लूड कर दिया कि कुछ जेनेटिक मटेरियल तो है जो कि ट्रांसफॉर्म होता है। इससे हमें फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ये पता चला कि कोई ना कोई चीज तो है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो कि एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने प्रूफ किया था, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट।
इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया था कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो देखते हैं कैसे इन दोनों ने ये प्रूफ किया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया फेज भी कह सकते हैं या फाज भी कह सकते हैं, इनको लिया और इनका इन्फेक्शन करवाया बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कुछ। तो ये इन्होंने इन्फेक्ट कराया, इन्फेक्ट कराने से पहले इन्होंने इसकी भी दो कॉलोनीज बनाई, उसमें से उसने इसको तो रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करवाया एक कॉलोनी को, और दूसरी रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करवाया। तो एक तो रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो हुई और एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो हुई। अब बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है वायरस का, ये वायरस हमारा जिसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल कुछ इस तरह से रहता है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो जब हम इसे ऐसी कॉलोनी जो रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर ग्रो होगी, सल्फर के अंदर ग्रो होने से क्या होगा, ये जो इसका बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन का ये इसका प्रोटीन का होट होता है कोट, तो प्रोटीन के अंदर सल्फर पाया जाता है। तो रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो करने से क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा प्रोटीन का कोट है ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा। एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करने से क्या होगा, कॉलोनीज का प्रोटीन तो रेडियो एक्टिव नहीं होगा लेकिन इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि डीएनए एंड आरएनए के अंदर फॉस्फोरस के ग्रुप्स होते हैं जैसा कि हम पहले जान चुके हैं। सो अब हमें इतना समझ आ गया कि इसकी भी हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो की हुई कॉलोनी और एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो की हुई कॉलोनी है। सो अब इसका इन्फेक्शन देखते हैं इन्होंने कैसे करवाया। लेट्स से हम देखते हैं कि इसका जो शेल है ये भी रेडियो एक्टिव है। रेड कलर इज फॉर रेडियो एक्टिविटी, इससे इजी हो जाएगा समझना। जो मैं जहाँ लाल कलर का यूज कर रहा हूँ वहाँ ये समझना है कि वो रेडियो एक्टिव है। मतलब अब इसका शेल देख बताइए स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव है मतलब ये रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो हुई होगी या रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो हुई होगी। इसका शेल प्रोटीन का होता है और प्रोटीन के अंदर हमारा सल्फर पाया जाता है, इसका मतलब कि ये रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर ग्रो हुई हुई है बैक्टीरियोफेज की कॉलोनी। अब जब इसका इन्फेक्शन हुआ, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, इन्फेक्शन। नेक्स्ट स्टेप था ब्लेंडिंग एंड लास्ट वन इज सेंट्रीफ्यूगेट। हम दोनों का एग्जांपल साथ साथ स्टडी करेंगे, साथ में हम दूसरी कॉलोनी का भी एग्जांपल स्टडी करते हैं। अब देखिए इसका शेल में ब्लू कलर से बना रहा हूँ, मतलब इसका जो शेल है रेडियो एक्टिव नहीं है लेकिन अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल उसको मैं लाल कलर से शो कर रहा हूँ, रेड कलर से, मतलब कि इसका जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव है। मतलब कि डीएनए या आरएनए जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया गया है, इसीलिए इसकी रेडियो एक्टिविटी इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर आई है। सबसे पहले इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या हुआ कि जो इन्फेक्शन हुआ
उसमें से शेल्स तो अलग हो गए और जो उसका जेनेटिक मटेरियल था वो बैक्टीरिया के अंदर आ गया। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, इसका शेल अलग हो गया और इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो बैक्टीरिया के अंदर आ गया। अब सेंट्रीफ्यूगेट से क्या हुआ कि शेल्स हमारे वायरस के अलग हो गए और जो हमारा बैक्टीरिया था वो उससे अलग हो गया। तो सेंट्रीफ्यूगेट करने के बाद हमें कौन सा रिजल्ट मिला? इससे ये रिजल्ट मिला कि जब उसने ये वाले को स्टडी किया तो इसके अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं आई। इस केस में लास्ट फाइनल में बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं आई। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी आ गई। तो इससे क्या समझ रहे हो आप? अरे भाई साफ समझ आ गया कि ये बैक्टीरियोफेज है। अब बैक्टीरियोफेज को जब हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो करा तो उसका जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव हो गया। अब अगर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो उस केस में ही तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी आएगी। और इस केस के अंदर इसका जो शेल था वो हमने रेडियो एक्टिविटी करा था और इसका जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव नहीं था, तो इसीलिए बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं आई। और इसका शेल बना होता है प्रोटीन से और अंदर का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए। तो इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि आर जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। थैंक यू।